हेलो मिस्टर बेट। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मिस्टर बेट, हम बिल्कुल सही हैं। फिर कैसे आना हुआ आज? मिस्टर बेट, हम लोग आज आपके पास इस कारण से आए हैं कि हम देख रहे हैं कि आपने इतने जल्दी इतना पैसा कमा दिया है और आप इतने सक्सेसफुल बन चुके हो। और हम लोग कई टाइम से जॉब कर रहे हैं, लेकिन हम अपने फाइनेंशियल गोल को नहीं पा पा रहे हैं और हमारे पास पैसा भी नहीं बच पा रहा है। हाँ सर, हमें बताइए हम कहाँ पर ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जो हम अपने फाइनेंशियल गोल को नहीं पा पा रहे हैं और ना ही हम अपनी सैलरी से बचत कर पा रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर आप गलत हो। मैंने एक ही दिन में ये सब नहीं कर पाया। आज मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से अपना पैसा बचाएंगे और किन गलतियों से आप बचेंगे। ध्यान से सुनना। आज मैं आपको 10 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताता हूँ जो हम लाइफ में करते हैं और मैं उनसे हमेशा बचा। सबसे पहली बात, मैंने इन्वेस्टमेंट में कभी लेट नहीं की। पहली सैलरी से ही मैंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। दूसरी बात, मैंने कभी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटा, हमेशा अच्छे प्लान में इन्वेस्ट किया। खासकर इक्विटी में निवेश से मैं कभी नहीं डरा। तीसरी बात, मैंने हमेशा अपना पोर्टफोलियो साल में एक बार रिव्यू जरूर किया। चौथा, मैंने कभी भी गिरते बाजार में SIP को बंद नहीं किया, बल्कि उसे चलते रहने दिया ताकि वो और अच्छा इन्वेस्ट करे। पांचवा बच्चों, मैंने कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट एक साल के लिए नहीं किया। याद रखना, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो लंबे समय के लिए ही करना चाहिए। लंबे निवेश से काफ़ी अच्छा फायदा मिलता है और आप अच्छा पैसा बना। सर, अभी तक तो आपने सिर्फ 5 ही मिस्टेक्स बताई हैं। हाँ, बाकी बताता हूँ। छठी मिस्टेक जो मैंने नहीं की, मैंने करियर के शुरुआत से ही अपना इनकम टैक्स भरा ताकि आके लोन लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए या और भी कोई ज़रूरत हो तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। सातवीं चीज़, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को मैंने बारीकी से जाना और इनको लिया ताकि मुझे आगे कोई भी या मेरे जो परिवार है उस पर कोई भी संकट ना आए। आठवीं चीज़, मैंने अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करियर की शुरुआत से करी ताकि 60 साल के बाद जीवन में पैसों की कमी ना रहे। नौवां, हम लोग टैक्स प्लानिंग शुरू से नहीं करते हैं, जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने शुरू से करी और जो भी साल था उसमें लास्ट तक मुझे अच्छा टैक्स बेनिफिट हुआ। दसवां, हमेशा अपना इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, जैसे कि मैं हमेशा अपना इमरजेंसी फंड बनाता हूँ। थैंक यू सर, ये तो बहुत ही बढ़िया आपने हमें।